नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सुरेंद्र गोयल का कोरोना के चलते निधन हो गया है। सुरेंद्र गोयल ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। सुरेंद्र गोयल विधायक और नगर निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सुरेंद्र गोयल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें 27 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुरेंद्र गोयल के निधन के बाद उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। इलाज में मदद के लिए पूर्व सांसद के बेटे ने राज्य मंत्री अतुल गर्ग से भी फरियाद की थी। इसके बाद राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से फोन पर बातचीत करके बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा था। वो पिछले कई दिनों से गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। सुरेंद्र गोयल के निधन पर कांग्रेस की यूपी इकाई ने शोक जताया है। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, गाजियाबाद के पूर्व सांसद श्री सुरेंद्र गोयल जी का कोरोना के कारण निधन हो गया। वो एक जुझारू नेता थे। पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने का संबल प्रदान करें। आपको बता दें, कांग्रेस की राजनीति करते हुए पहली बार वो 1972 में नगर पालिका गाजियाबाद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। 1973 में नगर पालिका के चेयरमैन बने और फिर 1989 में भी चेयरमैन बने। साल 2002 में शहर से विधायक चुने गए। साल 2004 में पहली बार कांग्रेस से सांसद चुने गए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए शहर के लिए कई विकास कार्य करवाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।